Hey guys, welcome back to our YouTube channel Man Imperfect. It's me, your friend Hansraj here. आज हम लेक्चर नंबर 8 ऑफ कंप्यूटर साइंस सीरीज शुरू करने वाले हैं. सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि आपके पास इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं, मींस इनपुट एंड आउटपुट का मतलब क्या है, और आउटपुट फंक्शंस को हमने देखा था जिसमें हमने पुट करेक्टर, पुट स्ट्रिंग्स एंड प्रिंट एफ के फंक्शन देखे थे. फाइन, आज हम जाएंगे नेक्स्ट एसएलओ पे, दैट इज 9.1.2, जिसमें आपसे बस यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि सी प्रोग्राम बनाओ जिसमें आप ये सारे के सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करो. ओके, अब ये देखो, डेसिमल और इंटीजर, ये दोनों के दोनों आपके पास यूज होते हैं इंटीजर डेटा टाइप के अंदर. ओके, ये दो जो आपके पास हैं, ये दोनों आपके पास फ्लोट डेटा टाइप के अंदर होते हैं, और ई जो आपके पास है ये करेक्टर डेटा टाइप के अंदर है, नाम से पता चल रहा है. एफ, ये भी आपके पास जो है लॉन्ग इंटीजर, ये भी आपके पास इंटीजर डेटा टाइप में आ जाता है, और स्ट्रिंग जो ये आपके पास आ जाता है करेक्टर डेटा टाइप के अंदर. ओके, सो इनके प्रोग्राम बनाते हैं जल्दी से. सो लास्ट लेक्चर में ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स की थी पुट्स वगैरह की, तो इन्हें मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ. फाइन, अब मैंने आपको पर्सन डी का इस्तेमाल बताया हुआ है. ओके, अब मैं आपकी बुक दिखाऊं, आपकी बुक में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज किए हुए हैं, तो मैं वहां से एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं, बिकॉज मैं ना बुक से रेफरेंस लेके बताना चाहता हूं आपके पास. अब इंटीजर में आपके पास देखो, इंटीजर के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स वहां पे हमारे पास सिलेबस में भी 3 गिवन है, यहाँ पे भी 3 गिवन है. पर्सन डी जो आपके पास डेसिमल के लिए यूज हो रहा है, मतलब डेसिमल वैल्यू, लेकिन ये भी इंटीजर में ही होगी आपके पास, मीन्स पॉइंट वगैरह नहीं होगा इसमें. ओके, ये एल डी आपके पास परसेंट, स्मॉल एल ए और डी है आपके पास. फाइन, ये आपके पास लॉन्ग इंटीजर के लिए यूज होता है, और ये आपके पास है परसेंट आई, ये भी आपके पास इंटीजर वैल्यू के लिए इस्तेमाल होता है. हालांकि आप प्रिंट एफ के अंदर परसेंट डी यूज करें या परसेंट आई यूज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता अकॉर्डिंग टू बुक. ओके, लेकिन वहीं पर अगर आप स्कैन एफ फंक्शन जो हम आगे पढ़ेंगे, जो कि इनपुट फंक्शन है, उसके अंदर आप परसेंट डी और परसेंट आई यूज करेंगे, तो वो उनकी जो वैल्यूज होंगी वो डिफरेंट होंगी. ओके, जो कि यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स परसेंट डी एंड परसेंट डी आई जो है सेम है अगर वो दोनों प्रिंट फंक्शन के अंदर यूज हो रहे हैं, लेकिन डिफरेंट है अगर वो स्कैन एफ फंक्शन के अंदर यूज हो रहे हैं. ओके, हालांकि बहुत सी जगह पे ये स्कैन एफ फंक्शन के अंदर भी सेम ही काम परफॉर्म कर रहे होते हैं. फाइन, सो ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ. यहाँ पे मैंने आपको अभी प्रिंट एफ का फंक्शन सिखाया हुआ है, तो मैं प्रिंट एफ फंक्शन यूज करूंगा. तो मैं एक इंटीजर वैल्यू निकाल रहा हूँ. ओके, मैं वैल्यू नाम दे रहा हूँ इसके वेरिएबल को, और मैं यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ 7 8 9. फाइन, और मैं प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करूंगा इसकी वैल्यू को आउटपुट लेने के लिए. तो मैं लिख रहा हूँ वैल्यू इज इक्वल टू, और मैं परसेंट डी मतलब मैंने जो यहाँ पे आपके पास एसएलओ में सबसे पहले वाली चीज पूछ रहे हैं डेसिमल, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ. सही है, तो डेसिमल ये आपके पास आ गया, परसेंट डी मतलब परसेंट डेसिमल, हालांकि इसमें कोई डेसिमल नहीं होता, आपके पास कोई पॉइंट नहीं होता. ओके, कॉमा दिया मैंने, और मैंने वैल्यू जो आपके पास वेरिएबल है वो लिख दी, और मैंने यहाँ पे आपके पास लगा दिया आखिर में टर्मिनेटर या सेमी कोलन. तो मैं रन करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू इज इक्वल टू 789. फाइन, यहीं पे मैं अगर परसेंट डी की जगह पे परसेंट आई लगाऊं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं रन कर रहा हूं सेम आउटपुट आएगा आपके पास सेम. अब मैं यहां पे अपना जो इंटीजर है इसको मैं लॉन्ग इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूं. लॉन्ग इंटीजर में कन्वर्ट करने से फायदा ये होगा कि आपके पास इंटीजर जो है वो आपके पास 4 बाइट्स लेता है. ओके, और लॉन्ग इंटीजर वो है ना मेरे ख्याल से 16 बाइट्स आपकी मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है. सो लेट मी सी कि कितना करेक्ट, मैं आपको तरीका भी एक बता रहा हूँ, और आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से कि कौन सा डेटा टाइप कितनी स्पेस के ले रहा है आपके पास. तो मैं पर्सनली लगा रहा हूँ, यहाँ पे एक साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, और इसके अंदर मैं सिंपली लिख लूंगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लॉन्ग इंटीजर. सही है, ये भी कर सकता हूँ. इसके अलावा मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे वैल्यू लिख लूँ. ओके, वैल्यू क्या है, वैल्यू मतलब ये आपके पास वैल्यू डेटा एक वेरिएबल है, और इसकी डेटा टाइप भी क्या है, लॉन्ग इंटीजर है. तो लॉन्ग इंटीजर लिखो या वैल्यू लिखो जिसकी डेटा टाइप लॉन्ग इंटीजर है,
आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं सेमी कोलन लगा रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट जो स्क्रीन पे होगा वो आपको बताएगा कितने नंबर ऑफ बाइट्स ले रहा है लॉन्ग इंटीजर। तो मेरे पीसी में ये ले रहा है 4 bytes लॉन्ग इंटीजर, ओके। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स डिफरेंट मशीन्स में डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। तो लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर भी एक होता है जो कि लॉन्ग इंटीजर से भी ज्यादा मेमोरी स्पेस करता है ऑक्यूपाई। इसे मैं रन करूं तो ये मेरे ख्याल से 16 होगा या 12 होगा, 8 है फाइन। तो मेरे मशीन में ये 8 bytes ऑक्यूपाई करेगा। बहरहाल मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि किस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा डेटा टाइप कितनी ज्यादा वैल्यू मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। और आपके पास जो आउटपुट आ रहा था, ये भी एमसीक्यू आता है कि आउटपुट जो आपके पास साइज ऑफ लगाने पे आता है वो किस में होता है, बिट्स में होता है, बाइट्स में होता है, किलो बाइट्स में होता है, तो वो आपके पास बाइट्स में होता है, ओके। तो अब मैं यहाँ पे सिंपल यूज करूंगा %LD, ओके, सॉरी LD, फाइन। अब मैं इसे रन करूंगा तो मेरे पास रन हो जाएगा, सेम ही आउटपुट आया है, फाइन। अभी इसकी मैं वैल्यू को इंक्रीज कर दूं तो मेरे पास ऐसी वैल्यू जो आपके पास इंटीजर में सेव होके आपके पास मेमोरी एरर दे, लेकिन लॉन्ग इंटीजर में सेव होके आपके पास मेमोरी एरर नहीं देगी। हालांकि मेरे पीसी में ना जहाँ पे इंटीजर वैल्यू एरर देगी वहीं पे लॉन्ग इंटीजर वैल्यू एरर देगी, बिकॉज दोनों के दोनों इक्वल नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं मेरी मशीन में, ओके। तो मैं इतना ही रखना चाहता हूँ, इससे तो आउटपुट यही आना है, फाइन। तो ये आपके पास हो गए 3 मैंने कर लिए, ए डेसिमल, बी इंटीजर और एफ वाला लॉन्ग इंटीजर, ये आपके पास हो गए। देन फ्लोट वाले को देख लेते हैं, तो आ जाते हैं जल्दी से फ्लोट। तो मैंने बस इसकी डेटा टाइप चेंज कर दी फ्लोट, और यहाँ पे मैं इसे वैल्यू दे देता हूँ 0.90, ओके, 78.90, ओके। और यहाँ पे मैं इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है %F होता है, और ये पॉइंट के बाद 6 to 7 डेसिमल प्लेसेस तक आपको वैल्यू देता है। आप देख सकते हैं एक 9 है, 4 0, 1 2, मतलब 6 पॉइंट के बाद 6 प्लेसेस तक आपको वैल्यू दे रहा है, ओके। तो बहरहाल ये आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया फ्लोट का। अब आपके पास मैथमेटिक्स में ये भी होता है, मैं यहाँ पे एक कमेंट लगा के एक चीज बताऊं। आप मैथमेटिक्स में लिखते हैं कि 10 और सॉरी साइंटिफिक नोटेशन में मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में आप यूज कर रहे हो, तो सपोज 5.26, ओके, इनटू हम कंप्यूटर में मल्टीप्लाई की जगह पे स्टार की साइन यूज करते हैं, फाइन। तो इनटू 10 रेस पावर आप लिख लें रेस पावर 5, ओके। तो आप इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में लिखते आ रहे हैं। 9th में आपका फिजिक्स के पहले चैप्टर में ये पूरा का पूरा एक SLO भी है साइंटिफिक नोटेशन का, और मैथमेटिक्स में भी आपने किया होगा लॉगरिथमिक के चैप्टर्स में, फाइन। तो बहरहाल आप इस तरह से लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ओके। साइंटिफिक नोटेशन का हो या एक्सपोनेंशियल नोटेशन का हो, इसमें फर्क कोई और नहीं आने वाला, आपके पास यही होगा कि आप %E लगा देंगे, %F की जगह पे %E लगा देंगे, बाकी डेटा टाइप आपके पास फ्लोट ही होगी, फाइन। मैं इसे रन करूंगा तो आप देखें आउटपुट क्या आ रहा है। आपके पास आउटपुट आ रहा है 7.8, ओके। अभी आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है, 78 नहीं आ रहा, साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है। और साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास नॉन जीरो डिजिट जो सबसे पहले आएगा उसके बाद पॉइंट लगाया जाता है, ओके। तो 7.89 आगे आपके पास जीरो लगा दिया गया, और आपके पास लिखा गया ई के बाद आपके पास जो वैल्यू आ रही है प्लस में आ रही है, ओके। ई प्लस पावर, मतलब यहाँ पे आपके पास ये है कि 7.89 मल्टीप्लाई बाई 10^1, ओके। ये आपके पास वैल्यू, आप सिमिलर सिंपली आप ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं कि आउटपुट आपके पास जो आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है 7.89 मल्टीप्लाई बाय 10^1, रेस पावर 1 मतलब 10 ही हुआ। तो यहाँ पे जब आप 7.89 को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आपके पास वैल्यू वही आने वाली है 78.9, ओके। आखिर में पॉइंट के बाद जीरोस कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आप 78.9 का हो या 78.9000 का हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके। सो ये आपके पास हो गए ये दो वाले जो आपके पास सी एंड डी में हैं, डेसिमल नोटेशन एंड एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ये दोनों भी मैंने आपको समझा दिए। अब करेक्टर
डेटा टाइप कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें यूज करना है। फाइन, तो कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने के से पहले हमें अपनी जो वैल्यू से कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो वैल्यू जो है इसे मैंने कैरेक्टर डेटा टाइप दे दी। फाइन, और यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू भी कोई कैरेक्टर में रखनी है, तो कैरेक्टर में आपको वापस बता चलूँ सिंगल कोटेड कॉमास आपके पास आते हैं, ओके ये वाले, इसके अंदर में आप कोई भी वैल्यू दे दे, तो मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ, चलो एक वापस स्पेशल कैरेक्टर यूज करके दिखा रहा हूँ आज, बिकॉज बच्चे समझते हैं सिर्फ आपके पास लेटर्स ही आते हैं, नहीं लेटर्स भी आ सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं, ओके तो आपके पास ये हो गया अपने एम्परसेंट, कंप्यूटर की लैंग्वेज में सिंबल को हम कहते हैं एम्परसेंट, ओके वरना सिंपली हम कहते हैं एंड का सिंबल है, तो बहरहाल मैंने लिख लिया यहाँ में परसेंट सी, परसेंट सी आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है करेक्टर डेटा टाइप का, इसे मैं रन करूंगा तो ये एम्परसेंट की जो साइन है ये आउटपुट में आ जाएगी, वैल्यू इज इक्वल टू एम्परसेंट, ओके अब ये आपके पास करेक्टर डेटा टाइप हो गया, करेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया। स्ट्रिंग वैल्यूज मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाई थी बनाना, जिसमें मैंने PUTS पुट स्ट्रिंग आपको करना चलाना सिखाया था, तो वही वैल्यूज में आपको देनी है। आप यहाँ पे एक एरे क्रिएट करेंगे या स्ट्रिंग वैल्यू क्रिएट करेंगे, तो स्ट्रिंग वैल्यू आप क्या करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, तो हेलो यू देयर, मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ। फाइन, अब आपके पास परसेंट सी को मैं हटाऊंगा परसेंट एस से, स्ट्रिंग वैल्यू है तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंट एस, ओके इसे मैं रन करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा वैल्यू इज इक्वल टू परसेंट एस, जो वो रिप्लेस करेगा परसेंट एस के, परसेंट एस को जो रिप्लेस करेगा वो वैल्यू के अंदर, जो वैल्यू के अंदर जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो रिप्लेस करेगी परसेंट एस को। फाइन, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके वैल्यू इज इक्वल टू परसेंट एस को रिप्लेस कर दिया हेलो यू देयर, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू मैंने स्टोर की हुई वैल्यू नाम के वेरिएबल में। सो इसके साथ आपका SLO नंबर 9.1.2 कंप्लीट हो चुका है, ओके सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपने रियली इंजॉय किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, एंड साथ ही साथ रुको भाई सब्सक्राइब करके भी जाना, बिकॉज आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारी फैमिली का एक पार्ट बन जाएंगे एंड आने वाली वीडियोस में से आप फ़ायदा उठा पाएंगे। देयरफॉर आई होप आप मेरी वीडियोस को लाइक करते जाएंगे, शेयर भी करते जाएंगे, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा देंगे। थैंक यू सो मच, बाय।